हेलो एवरीवन, आई एम गौतम एंड वेलकम टू माय चैनल वन डे स्टोरी एंड वेलकम टू ए न्यू ब्लॉग। आज दारेसलाम में सेकेंड डे है हम लोगों का। ब्रेकफास्ट करके चलते हैं दारेसलाम घूमने के लिए। सो चलिए ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। अभी हम लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए डाइनिंग हॉल में आ गया हूँ। ये हमारा ब्रेकफास्ट है। अभी कॉफ़ी पी रहा हूँ। ब्रेकफास्ट ज़बरदस्त था। सुशी भाई और राणा जी आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। राणा जी कैसे लगा ब्रेकफास्ट? अभी तो स्टार्ट किए हैं जस्ट। और मनोज जी ब्रेकफास्ट ख़त्म कर दिया, अभी जूस लेके बैठे हैं। लास्ट चमच मेरा भी जूस है, बाकी ख़त्म कर दिया हूँ। चलिए ब्रेकफास्ट करते रहिए, बाद में मिलते हैं आप लोगों के साथ। आ गया हूँ नीचे, अब बाहर चलते हैं, बोड़ा वोड़ा देखते हैं। वही सुपर फास्ट बस है। हम लोग जाएंगे अभी कोको बीच। कोको बीच के लिए एक बजाजी बुक किया हूँ। बजाजी आ गया, बजाजी आ गया, हम लोग बजाजी में चढ़ गया हूँ।
हम लोग आ गया हूँ कोको बीच। ये है कोको बीच। ये है कोको बीच, व्हाइट सैंड। ये बेच रहा है क्या इधर? ये कोको बीच का रोड साइड का कुछ रेस्टोरेंट्स है। दिस इज साहिली एक्सपीरियंस। ये कोको बीच एरिया का ही लोग हुआ। ये भी कोको बीच का रोड साइड का कुछ रेस्टोरेंट है। या मैम पोवा ये देखिए बोतल से घर बना दिया है। ये क्या लिखा है? बहुत धूप है। शाम को आते तो इधर अच्छा करते। ये समंदर का पानी देखो कितना स्वच्छ, पूरा क्लीन वाटर है। एक दूर में एक शिप खड़ा है, पता नहीं जूम हो पा रहा है कि नहीं। और ये सब है रोड साइड रेस्टोरेंट सब है। यहाँ सी फूड्स वगैरह सब कुछ मिल जाता है। हमारा दोस्त लोग सब कहाँ गया, दिख नहीं रहा है। कोको बीच घूम लिया हूँ, अभी जाएंगे उडिन मार्केट में, मावेंजे उट कैराफर मार्केट, वहाँ जाएंगे। ये देखिए यहाँ समुंदर का सब कुछ है, ये सब बेचने के लिए रखा है। क्या खा रहा है? क्या खा रहा है? कुछ ऑर्डर किया क्या? आइए गाइस। लेफ्ट
अभी जा रहे हैं मावंजे वुडन मार्केट। उसको पूछा ना, किसी को पूछ लेगा वो, मालूम नहीं है। हम लोग अभी जो बाजाजी लिए थे ना, उसको रोड नहीं मालूम था, इधर अंदर का इधर उधर घुमाते घुमाते वो इधर मेन रोड तक छोड़ दिया। बोल रहा है हमको मालूम नहीं है हो जाएगा, जो मावेंजे जाएंगे वुड कैवर्स मार्केट में, तो इधर से हम लोग ले रहे हैं दूसरा बाजाजी और उसमें चलेंगे। एक बस स्टैंड है, इधर खड़ा हूँ हम लोग। इधर का बस स्टैंड थोड़ा इस टाइप का दिखता है। अभी जा रहे हैं दूसरे बजाजी से, हमको क्लास में बोल दिया हमको छोड़ दो बाबू, हम नहीं जा पाएंगे। हम लोग आ गया हूँ मावेंजे वुड कैवर्स मार्केट में, मिल नहीं रहा था, वो ढूंढने के बाद मिला है। ये है वुड कैवर्स मार्केट, लाइन देके पूरा है, वुड का सारा सामान मिल जाता है इधर। ये वुड मार्केट है, ये सब वुडन का काम है सब। लकड़ी का बना हुआ है सब है ये वुड मार्केट में। मैं देख रहा था, ये मांग रहा था 40,000, मैं इसको बोला 10,000 में देने के लिए, लास्ट में 20,000 तक आया है, 10,000 में देगा तो हम लेंगे। सब हैंडमेड है। देख सकते हैं कितना अच्छा अच्छा सब बना हुआ है। एक दूसरा मार्केट है, एक दूसरा दुकान है। हाउ मच दिस सिंगर भी? 25,000। वाज माय फ्रेंड यस। इधर बहुत बार्गेनिंग करना पड़ता है, एक एक चीज का प्राइस बताता है 50,000 सेलिंग। लेकिन वुडन है, काम अच्छा है। सब लकड़ी का ही बना हुआ है। ये मसाई है, इधर ये ज्यादा बिकता है। चलो
हम ये परचेस किए हैं, 50,000 बोल रहा था वहाँ से कम करके, लास्ट में 15,000 में लिए हैं। बहुत बार्गेनिंग करना होता है यार। पैक कर रहे हैं, पैकिंग के बाद दिखाते हैं। इधर से उड़न का सामान ले लिया, अभी चलते हैं होटल। अभी इधर से बजाज ही देखेंगे होटल के लिए। अभी हम लोग जा रहे हैं ब्लू रूम टी शॉप बिरयानी खाने के लिए। आ गया हूँ ब्लू रूम टी शॉप, बिरयानी आ गया है, लेके चलते हैं होटल में। ये है डेनियल्स आउटलेट लिमिटेड। बहुत प्राइस है, एक पीस 12,000 ये वाला, और ये वाला एक पीस 3,000 का है। हेलमेट है, सेफ्टी शूज है, कुछ है। नंबर ले लिया हूँ। ओके, हम लोग आ गया हूँ होटल। आज पूरा दिन हम लोग दारेसलम घूमा, और मेनली कोको बीच एंड मावेंजे वुड कैवर्स मार्केट, जहाँ लकड़ी का सामान ज़्यादा मिलता है, तो वो सब जगह में घूमा और कुछ कुछ सामान खरीदा भी। और इवनिंग में कहीं नहीं गए थे, रूम पे ही थे। तो ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं आज के लिए। फिर कल मिलते हैं एक नया ब्लॉग के साथ। कल का ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि यहाँ जो है ना, इंडियन बहुत ज़्यादा रहते हैं दारेसलाम में। हर कोने कोने में आपको इंडियन दिख जाएगा। सो इसको बोल सकते हैं एक मिनी इंडिया टाइप का ही है। कल का ब्लॉग में शेयर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।